सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है ना, सच में कह रहा हूँ, अगर आपने इसको कहीं से भी स्किप करके, मतलब कि कहीं भी आपने सोचा कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा आगे जाकर देखने की कोशिश की, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है वीडियो ख़त्म करके कहीं कुछ काम करने की, तो आप ऊपर यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा, आप उस बटन पर क्लिक करके वीडियो की स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, जिससे कि आपका टाइम बचे। और मैं भी काफ़ी कोशिश करूँगा कि वीडियो को छोटा ही रखूँ, मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाऊँ, जिससे कि आपका भी टाइम वीडियो देखने में बचे और मेरा भी टाइम वीडियो को एडिट करने में बचे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना इंट्रो के। दोस्तों, अभी मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा, यानी कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, उनको आप उन बातों को आप प्लीज़ अपने कानों को खोलकर ध्यान से सुनना, क्योंकि ज़रा सा भी आपने पार्ट अगर मिस कर दिया, फिर कोई भी पार्ट आपने स्किप किया, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो गाइस, देखो, ये जैसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, मेरे पास में क्या है, एक वायर है ना, मेरे पास में कुछ इस तरह का एक वायर है, सिंपल सा, कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल एक वायर ही है। और देखो, ये वायर क्या है, मतलब हम इसको अगर 3D में देखें, मतलब कि 3 डायमेंशनल में देखें, हमें कुछ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, यानी कि एक लंबी सी एक लाइन है जो कि वायर है। अब देखो, मैं इस वायर की लेंथ अगर मैं देखूँ कि वायर की लेंथ कितनी है, अब चले मैं इसकी वायर की लेंथ देख लेते हैं। तो वायर की लेंथ है, मेरे पास यहाँ पर स्केल है, मैं इसकी मदद से वायर की लेंथ देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो लेंथ है इसकी, इस वायर की लेंथ मैं देख लेता हूँ, तो ये लेंथ आ रही है इसकी, यहाँ पर आप देख सकते हो इस वायर की लेंथ है करीब करीब 22.8 सेंटीमीटर्स। तो गाइज़, आप देख सकते हो जो ये वायर है, इस वायर की जो लेंथ है वो है 22.8 सेंटीमीटर्स। लेकिन गाइज़, क्या होगा अगर मैं इसको कुछ इस तरह से सर्कल शेप में घुमा कर कुछ इस तरह से मोड़ दूँ, तो क्या होगा गाइज़? आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक सर्कल बन चुका है, यानी कि जो आप ये जो चीज़ देख रहे हो, ये 3D में एक सर्कल है, मतलब जैसे कोई 3D शेप है जब उसमें एक सर्कल है। तो गाइस, इसका जो ये बाउंड्री आप देख रहे हो, एक सर्कल की एक बाउंड्री बन जाती है, ये जो बाउंड्री है ये होता है इसका सर्कमफ्रेंस। अब जो सर्कमफ्रेंस है उसका, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है, तो कितना आप कहोगे? 22.8 सेंटीमीटर ही, क्योंकि वो जो लाइन थी उसकी लेंथ थी 22.8 सेंटीमीटर्स। हमने इसी लाइन को कुछ इस तरह से घुमाया और सर्कल बनाया, तो सर्कमफ्रेंस भी 22.8 सेंटीमीटर्स ही होगा। लेकिन गाइज़, आप सोच रहे होगे कि यार इसका हमारे प्रोजेक्ट से लेना देना क्या है। तो गाइज़, अभी रुको, वीडियो तो अभी शुरू भी नहीं हुई, मेन पार्ट तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज़ देखो, मैंने आपको बताया कि ये तार है, जैसे आप वायर देख रहे हो, अब इसको अगर मैं इस तरह से, तो ये 22.8 सेंटीमीटर्स की, अगर मैं इस वायर को कुछ इस तरह से घुमा दूँ, तो इसका सर्कमफ्रेंस भी होगा 22.8 सेंटीमीटर्स का। लेकिन गाइज़, जिस चीज़ को आपने अभी थंबनेल में देखा ना, जो आपने चीज़ देखी ना थंबनेल में, वही चीज़ बनाऊंगा प्रोजेक्ट में। आप कोई गलत वीडियो नहीं देख रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हो कि क्लिक बेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन वही चीज़ होगा। लेकिन उस चीज़ को बनाना कैसे है, देखो, सिंपली था क्या उस थंबनेल में, आपने देखा था थंबनेल कुछ इस तरह से दिखता था, कुछ एक चीज़ थी, मतलब कुछ यहाँ पर एक सर्कल शेप में, एक सर्कल शेप था, कुछ एक टायर जैसा कुछ था, और उसके ऊपर कुछ इस तरह का एक पार्ट लगाया हुआ था मैंने, ये देखा ना आपने थंबनेल में, है ना, ऐसा ही कुछ था मतलब थंबनेल में। तो यार देखो, क्या है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, हमें क्या करना होगा, एक डिस्टेंस मेजरिंग व्हील बनाना है। अब डिस्टेंस मेजरिंग व्हील क्या होता है, देखो, मान लो कोई, जैसे मान लो मैं आपको ये तार दिखा देता हूँ, जैसे वायर है, देखो इसकी लेंथ है 22.8 सेंटीमीटर्स। अगर मैं इस वायर को यहाँ रखूँ, देख सकते हो अब मैंने वायर को यहाँ रखा हुआ है, यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पर वायर है और वायर जो है यहाँ पर एंड होता है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, मतलब वायर को, मतलब मैंने डबल किया, यहाँ यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है, यहाँ पर भी आता है, तो मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा देता हूँ। तो गाइज़, जो ये वाला पॉइंट है, देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो है, वो वायर का डबल है, यानी कि अगर इसके बीच वाला जो था, यानी कि बीच में, मतलब कि करीब यहाँ पर, यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वायर का है। अब देखो, मान लो मैं इस वायर को इस तरह से गोल घुमा दूँ, और इसको फिर से मैं उस पॉइंट से स्टार्ट कर दूँ, यहाँ से कुछ इस तरह से राउंड राउंड घुमाऊँ और यहाँ तक लेकर आऊँ इस पॉइंट तक, तो जो ये होगा, जो डिस्टेंस इसने कवर किया राउंड घूम कर, वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 22.8 सेंटीमीटर, जो कि वायर का लेंथ है या फिर सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो गाइज देखो, हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या करेंगे,
एक मतलब कार्डबोर्ड शेप का एक सर्कुलर पीस काट लेंगे, लेकिन उसका जो सरकमफ्रेंस होगा, क्योंकि देखो हमें डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें सरकमफ्रेंस का होना ज़रूरी है। यानी कि ये जैसे जो टायर है, अगर ये जितना मतलब यहाँ से मान लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, अगर इसको हम घुमाते हैं कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ से लेकर जब ये घूम कर वापस यहाँ आएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर डिस्टेंस कवर करेगा और घूम कर वापस इसी पॉइंट पर आएगा जब ये टायर, वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारे सरकमफ्रेंस का, और वही होगा हमारा डिस्टेंस जो कि हमें मेजर करना था। हम सरकमफ्रेंस के लिए हम ले लेते हैं इसका, लेट 50 सेंटीमीटर्स हम इसका सरकमफ्रेंस ले लेते हैं। 50 सेंटीमीटर्स जो होगा हमारे इस प्रोजेक्ट का सरकमफ्रेंस होगा, यानी कि सरकमफ्रेंस होगा हमारा 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब देखो हमें प्रोजेक्ट में क्या करना है, देखो मैंने आपको भी बताया कि किसी भी 3D शेप को हम कुछ इस तरह से, जैसे वायर है, ये एक लाइन है, जैसे यहाँ पर भी एक लाइन आप देख रहे होगे, ये लाइन लाइन की सपोज़ कर लो ये लाइन है, इसकी जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर्स है, और एक लाइन ये है जो मेरे हाथ में, मतलब ये 3D है, ये 2D है, इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर्स, लेकिन इसकी लेंथ है 22.8 सेंटीमीटर्स। अगर मैं इसको घुमा देता हूँ, ये तो 3D मतलब मेरे हाथ में है, तो मैं इसको हाथों में घुमा कर एक सर्कल बना सकता हूँ, लेकिन अगर हम 2D में किसी शेप को किसी दूसरी शेप में मतलब बनाना चाहें तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम किसी मतलब इस लाइन को, तो मैं इसको उठाकर इस तरह से नहीं घुमा सकता कि ये सर्कल बन जाए। तो हमें क्या होता है, जब 2D में जब भी हमें, जब यानी कि 2 डायमेंशंस में जब भी हमें कोई शेप बनानी होती है, हमें यहाँ या जैसे कि मैं सर्कल का ही ले लेता हूँ, तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमेशा हमें जो सर्कल का रेडियस होता है, हमें रेडियस का पता होना ज़रूरी होता है, बिना रेडियस के हम सर्कल नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, बिना रेडियस के हम अपना प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं कर सकते। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो गाइस देखो, आपको पता होगा कि जो सर्कल होता है, हमें प्रोजेक्ट बनाना भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा बहुत मतलब कैसे हम बनाएंगे उसका भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो देखो यार, जो सर्कल होता है ना, उसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, यानी कि 2 × π × r। तो सरकमफ्रेंस होगा 2πr, ठीक है, ये हमारा सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का। अब देखो यहाँ पर होता है 2πr, अब r तो है रेडियस, अब हमें r तो पता ही नहीं, मतलब सरकमफ्रेंस हमें पता है 50 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, लेकिन r हमें पता नहीं, लेकिन अगर हमें कोई शेप ड्रॉ करनी है सर्कल की, तो हमें r तो पता ही होना चाहिए, बिना r के कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो गाइज अब हमें जो आर है यानी कि रेडियस हमें पता करना होगा, तो वो कैसे पता चलेगा, ये देखो कुछ इस तरह से। सो गाइस देखो, अब हम रेडियस कैसे निकालेंगे, यानी कि सरकमफ्रेंस हमें पता है कि 50 सेंटीमीटर्स है, यानी कि सरकमफ्रेंस हम ले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर्स, लेकिन जो रेडियस है वो हमें नहीं पता। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो 50 सेंटीमीटर्स है वो, जैसे सरकमफ्रेंस तो 50 सेंटीमीटर, इसको 50 सेंटीमीटर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 50 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 2πr, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या होगा, सॉल्व करना होगा इस इक्वेशन, अब क्या होगा, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर है, देखो 50, देखो सरकमफ्रेंस होगा जैसे हमारा फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस होगा जैसे कि पाई इंटू 2r, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 50 को हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 50 इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई 2r, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड करना होगा पाई से। तो देखो किस तरह से, 50 अपॉन कर देंगे हम 50 अपॉन पाई, इक्वल्स टू पाई इंटू 2r। 2r मैं यहाँ पर इसलिए लिखा, 2r क्या होगा, देखो हम मतलब रेडियस तो नहीं निकालेंगे, डायमीटर निकालेंगे, 2r मतलब डायमीटर ही हो गया, देखो रेडियस का डबल हो गया डायमीटर, तो मतलब हम पहले डायमीटर निकालेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा रेडियस आ जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब देखो क्या करना है, करा के जो है, तो गाइस सब कुछ सॉल्व करके जो है, मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय पाई इक्वल्स टू
टू आर इक्वल्स टू टू आर, ठीक है, ये इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इसको क्या, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाई आ रहा है, तो मतलब पाई क्या होता है 3.14, तो यहाँ पर लिख देते हैं पाई इक्वल्स टू 3.14, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, फिफ्ट यहाँ पर अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 50 को 3.14 से डिवाइड करने पर हमारा डायमीटर आ जाएगा, तो डायमीटर निकाल लेंगे हम। देखो 50 डिवाइड बाय 3.14 इक्वल्स टू 2R, जो कि हमारा डायमीटर है। अब 2R होगा, 2R इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 3.14, हमने इसको इस तरह से लिख सकते थे। तो अब क्या होगा, 2R होगा, मतलब अब अगर हम 50 को 3.14 इन दोनों को डिवाइड करें तो जो आंसर होगा वो होगा 2R इक्वल्स टू 15.9 सेंटीमीटर्स, ये जो है हमारा डायमीटर आ गया। अब हमें रेडियस निकालना है, रेडियस कैसे निकलेगा, आर इक्वल्स टू 15.9 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7.9, जो ये 7.9 है ये है हमारा रेडियस। अब ये सोच रहे होगे कि यार इतना सारा मतलब इतनी सारी मतलब कैलकुलेशंस करने की क्या जरूरत है, तू सीधा मतलब कर लेता, लेकिन हमें क्यों दिखाया, वीडियो में क्यों दिखाया, सीधा वीडियो ही स्टार्ट करता है यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसको बनाना स्टार्ट करता है। लेकिन गाइज मैं ऐसा इसलिए दिखाया मैंने आपको कि अगर आप भी इसको घर पर बनाने की कोशिश करते हो या फिर आप भी चाहते हो कि मैं भी इसको बनाऊं तो आपको बनाने में आसानी हो, क्योंकि यार अब आपको पता चल ही गया होगा कि कोई भी सर्कल हो 2D में हम उसको बिना रेडियस, अगर हमें रेडियस ना पता हो कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो शायद आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों मैंने इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस की। तो अब देखो अब प्रोजेक्ट बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, सिंपली कुछ इस तरह की एक कार्डबोर्ड की शीट का यूज़ करूँगा, कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की शीट। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जो है सर्कल ड्रॉ करूँगा। अभी हमने रेडियस निकाल लिया था, है ना, रेडियस कितना आया था हमारा 7.9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है सर्कल ड्रॉ करूँगा वो भी 7.9 सेंटीमीटर्स का। तो चलो पहले हम कंपास की मदद से जो है सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, तो 7.9 सेंटीमीटर्स का, तो 7.9 सेंटीमीटर्स पर मुझे अपनी कंपास खोलनी होगी। तो ये रहा 0 यहाँ से 7.9 सेंटीमीटर्स तक, 7.9 सेंटीमीटर्स आई थिंक ऑलमोस्ट 7.9 सेंटीमीटर्स पर ही है। तो चलो अब हम सर्कल अपना ड्रॉ कर देते हैं, चलो अब ड्रॉ कर देते हैं अपना अपना सर्कल। तो वो सर्कल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा सर्कल। एक और सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको कट करने वाला हूँ, यानी कि इसको कट कर दूँगा, कार्डबोर्ड में से अलग कर दूँगा। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी स्पेस और पड़ी है, तो मतलब मैं यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। मैं कार्डबोर्ड शीट का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो थर्मोकोल शीट का भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि जो थर्मोकोल शीट की जो थिकनेस होती है वो कार्डबोर्ड की शीट से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आप थर्मोकोल शीट का भी यूज़ कर सकते हो। मैं मतलब दो ही सर्कल्स का यूज़ नहीं करूँगा, काफ़ी सारे सर्कल्स काटूँगा, 3 या 4 सर्कल्स काटूँगा, मतलब 5 सर्कल्स भी काट सकता हूँ, मतलब ज़्यादा सर्कल्स को हम एक साथ एक के ऊपर एक रख देंगे और फिर वो हमारा व्हील बन जाएगा। तो गाइस देखो अब सुनो पहले, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो यहाँ पर सेंटर में डॉट लगा हुआ है ना, यहाँ से लेकर जो इसका ये वाला एंड है सर्कल, यहाँ से लेकर देखो यहाँ पर, अगर मैं इसका यहाँ पर रखता हूँ स्केल 0 से, और अगर यहाँ तक हम देखें तो यहाँ तक जो आ रहा है ना वो हो रहा है 7.9 सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्कल का रेडियस है वो है 7.9 सेंटीमीटर्स, और जो सर्कमफ्रेंस है वो है सर्कल का, मतलब जो ये बाउंड्री आप देख रहे हो, इमेजिन करो अगर मान लो यहाँ पर एक कोई वायर रखी हुई है, और अगर मैं उस वायर को उठाकर खोल दूं, जो वायर की लेंथ होगी वो होगी 50 सेंटीमीटर्स। गाइस मुझे पता लग गया, गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप पता चल ही गया होगा कि मैंने इतना सब कैलकुलेशन क्यों किया। देखो ये जो वायर थी, हमने तो इसको सिंपली एक 3D, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, मैं सर्कल को तो अपने हाथों में नहीं पकड़ सकता। देखो मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा है सर्कल, मेरे हाथ में, हाँ ये कार्डबोर्ड की शीट आ रही लेकिन ये सर्कल नहीं आ रहा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह से राउंड घुमाया, सर्कल बन गया,
अब मैं इस लाइन को, जो आप लाइन देख रहे हो बाउंड्री, अब मैं इसको तो नहीं ना इस तरह से खोल सकता, नहीं ना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं इतनी कैलकुलेशन क्यों की, कैलकुलेशन रेडियस को निकालने के लिए मैंने की। चलो अब हम इन दोनों सर्कल्स को कट कर देते हैं, यानी कि काट देते हैं इस कार्डबोर्ड शीट में से। मतलब और भी मैं सर्कल्स काटने वाला हूँ, यानी कि 3 या 4 सर्कल्स और काटूँगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूँगा, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो चलो वीडियो, चलो इन सर्कल्स को काटना शुरू कर देते हैं। मैं कटर का यूज़ करूँगा, तो काट देते हैं हम इन सर्कल्स को। इसको मैं सर्कल को काट रहा हूँ, काफी सावधानी से काटना शुरू करके मैंने इसको सर्कल को ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सर्कल मैंने काट दिया हुआ है। जल्दी से मैं काट रहा हूँ सर्कल को, काटूंगा। वैसे मैं जो है इसके साथ के 3-4 आई थिंक 3 या 4 तो और काटूंगा, उनको फिर मैं एक के ऊपर एक कर ग्लू गन की मदद से एक को एक के साथ जोड़ दूंगा और फिर हमारा एक व्हील बन जाएगा। थर्मो कोशिश का यूज भी कर सकते हैं, उसमें काफी ज्यादा टाइम बच सकता है, क्योंकि आपको इतने सारे सर्कल्स नहीं काटने पड़ेंगे और दूसरा आपको इतने सारे सर्कल्स को एक साथ ग्लू नहीं करना पड़ेगा। पर मैं कार्डबोर्ड शीट का ही यूज करूंगा। देखो जैसे ये सर्कल है, इसका रेडियस था 7.9 सेंटीमीटर और जो सर्कमफ्रेंस है वो है 50 सेंटीमीटर्स। अब मान लो मैं सर्कल को कुछ इस तरह से घुमाता हूँ, मतलब देखो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ, देखो इस मतलब यहाँ पर एक पॉइंट मैं बना देता हूँ, देखो कुछ इस तरह से एक पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखना, शायद आप इस चीज़ को कैमरा में नहीं देख पाओ, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये सर्कल रखा है, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल मतलब बेस पर टच हो रहा है, यानी कि जो पॉइंट है ये बिल्कुल बेस पर टच हो रहा है ना। अब क्या होगा, मैं सर्कल को इस तरह से घुमाता हूँ, अब जो ये पॉइंट है, जब ये दोबारा पूरा एक रोटेशन पूरा करके अपना दोबारा जब ये पॉइंट बेस पर टच होएगा, वो जो डिस्टेंस होगा, मतलब जिस पॉइंट से शुरू किया था और जिस पॉइंट पर एंड किया, वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 50 सेंटीमीटर्स का, यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो आई होप आपको ये वाला जो पार्ट था समझ में आ चुका होगा। चलो अब प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया, जिस तरह की मतलब इस तरह के मतलब मैंने 4 और सर्कल शेप के कार्डबोर्ड पीसेस मैंने काट दिए, देखिए कुछ इस तरह के, देखिए कुछ इस तरह से। मतलब हम क्या करेंगे, देखो कितना ज़्यादा जो इसकी थिकनेस है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है, देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी पीसेस को जो है एक के ऊपर एक, देखो जैसे ये एक पीस है ना, इसके ऊपर काफ़ी सारी जो ग्लू गन की मदद से काफ़ी सारी हॉट ग्लू रख दूँगा, लगा दूँगा, और फिर एक और पीस रख दूँगा, इसके ऊपर भी हॉट ग्लू लगा दूँगा, फिर ऐसे रख दूँगा, मतलब ऐसे करते करते सबको जोड़ दूँगा, और फिर यहाँ पर मतलब एक हैंडल भी मतलब लगा दूंगा जिसकी मदद से हम इसको पकड़ पाएँ। तो चलो मैं इसको पहले ग्लू गन के साथ जोड़ देता हूँ, मैं ये वाला पार्ट स्किप कर दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए। मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने जो है सभी कार्डबोर्ड के जितने भी पीसेस थे, मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पीसेस को मैंने एक के ऊपर एक रख कर ग्लू गन के साथ लगा दिया हुआ, यानी कि इसको अच्छी तरह से ये मतलब ये बिल्कुल मतलब कितना इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और इसका जो मतलब अभी बिल्कुल दिखने में देखो एक जगह पर मतलब इस तरह से खड़ा हो जाता है अपने आप ही, और ये दिखने में बिल्कुल एक किसी टायर की तरह लगता है, किसी से टायर से कम नहीं लगता, किसी कार का टायर। आप सोच रहे हो कि यार ये क्या लगाया है यार तुमने, इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब क्या चीज़ है ये। अब देखो यार, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लगा दूँ और वो पॉइंट जब घूम कर वापस दोबारा पॉइंट पर आ जाएगा तो वो 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पूरा हो जाएगा। अब देखो ठीक है, चलो मान लेता हूँ आपकी बात कि तूने पॉइंट कहा था। देखो मैं यहाँ पर क्या एक पॉइंट लगा रहा हूँ, देखो ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। जो आप होल देख रहे हो, बिल्कुल देखो होल है ना यहाँ पर, एक है ना होल, ये होल क्यों है, देखो मैं इसको मतलब देखो जैसे मैं इसको इस तरह से तो पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूँ, इसे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं या फिर बार बार इसको ऐसे करना मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है, ये मैंने होल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो मतलब मैं इस चीज़ को मतलब मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, देखो इस चीज़ को मैं करता हूँ इसके अंदर डाल देता हूँ, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल आसानी से इसके आर पार हो जाती है, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या है, मैं इस चीज़ को इस तरह से पकड़ लेता हूँ, देखो कुछ इस तरह से,
और ये जो है मतलब अपने आप ही मतलब इसको इस तरह से पकड़ा और ये मूव कर रहा है। देखो इसको मैंने इसके अंदर डाल रखा है और इसको ये जो है चीज़ है ये फ्रीली घूम रही है, देखो बिल्कुल आराम से घूम रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ ऐसा चीज़ लगा दूँगा मतलब कुछ भी चीज़ मैं बनाऊँगा यहाँ पर, कोई शायद कार्डबोर्ड से कुछ चीज़ बनाकर लगा दूँगा और उस मतलब कुछ इस तरह से मतलब एक हैंडल जैसा दिखने वाला कुछ बना दूँगा, जैसे कि हम इसको मतलब कि मतलब बार बार इसको देखने के लिए मतलब हम सिर्फ इसमें चलते चलते या फिर खड़े हुए मतलब हम किसी चीज़ का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ भी लगा देता हूँ जो आपने थंबनेल में देखी। हाँ तो दोस्तों अब देखना क्या होता है। देखो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पर रखता हूँ इस व्हील को। देखो अब मैं इस टेबल का डिस्टेंस मेजर करूँगा कि टेबल की लेंथ कितनी है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको रख दिया कुछ इस तरह से, है ना, यहाँ पर रखा हुआ है ना मैंने पॉइंट। अब देख सकते हो कि बिल्कुल जो है पॉइंट बेस पर आ रहा है, बिल्कुल बेस पर, ठीक है। अब मैं इसको घुमाऊँगा देखो कुछ इस तरह से, ये घूमा और घूमते घूमते मतलब जब तक ये जो ये पॉइंट जब तक वापस बेस पर नहीं टच हो जाता हमें इसको घुमाते रहना है। ये घुमाया घुमाया तो अब यहाँ पर जो है ये बेस पर टच हो गया। देखिए यहाँ पर था ना, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से ये बेस पर टच हो रहा है। तो मतलब कि अब देखो यहाँ से लेकर मतलब कि जो ये वाला डिस्टेंस था यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है मतलब यहाँ पर टेबल पर जो भी लेंथ है वो है पूरे 50 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या करना होता है, देखो प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब मान लो ये तो एक टेबल ही था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कभी मैं इससे वैसे इसका जो यूज़ है वो मतलब ज़्यादा बड़े डिस्टेंस का मेजर करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि आप अपने रूम की लेंथ मतलब आप अपने रूम की ब्रेथ भी मेजर कर सकते हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबा अगर डिस्टेंस हो तो आप उसको भी मेजर कर सकते हो। तो देखो होता क्या है, हमें क्या बार बार इसका जो पॉइंट है ये देखना पड़ता है कि बार बार हम देखेंगे कि पॉइंट कहाँ आया, आ गया पॉइंट, फिर दोबारा घुमाएंगे। अब ये जो चीज़ है ये क्या करेगी, हमें एक हमें अलर्ट कर देगी कि जैसे मान लो देखो मैं इसको जो है इसको बेस पर रख देता हूँ, देखो बिल्कुल नीचे टच कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको घुमाऊँगा, देखो इस तरह से घुमा, अब क्या होगा यहाँ पर जो एक तरह से मतलब एक ब्रेक लग जाएगी इस व्हील को, मतलब एक थोड़ा सा मतलब एक झटका सा फील होगा, मतलब एक हल्का सा, इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा व्हील पहुँच चुका है। मतलब हमें बिना कुछ देखे बिना हमें चलते चलते बस अपने आप ही पता लग जाएगा। और हमें क्या करना होगा, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप भी इस चीज़ को बनाते हो तो आप भी इसका जो सर्कमफ्रेंस है रेडियस है वो भी 50 सेंटीमीटर्स ही लेना, आप 100 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, आप 200 सेंटीमीटर्स भी ले सकते हो, आप 500 सेंटीमीटर्स भी ले सकते हो, और अगर चाहो तो आप 15 सेंटीमीटर्स 10 सेंटीमीटर का सर्कमफ्रेंस भी ले सकते हो। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि मैंने इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों की थी, इसलिए की थी कि यार अगर आप मान लो आप सोचते हो कि यार 50 सेंटीमीटर्स का नहीं बनाऊंगा मैं, तो 200 सेंटीमीटर का सर्कमफ्रेंस लेकर बनाऊंगा, तो ठीक है यार बनाओ, लेकिन उसका रेडियस कैसे निकालोगे यार, रेडियस चाहिए रेडियस, सर्कल बनाने के लिए हमेशा रेडियस चाहिए होता है, सर्कमफ्रेंस तो ठीक है हमने सोच लिया तो 200 सेंटीमीटर लूँगा ठीक है, लेकिन रेडियस के बिना कैसे बनाना शुरू करोगे प्रोजेक्ट, बताना ज़रा मुझे कमेंट्स। हाँ तो गाइज फाइनली वो चीज़ बन चुकी है जिसका हमें वेट था, मतलब किस चीज़ को जो आपने थंबनेल में देखा वो चीज़ फाइनली यहाँ पर बन चुकी है। तो गाइज हम सिंपली क्या किया, मैंने कुछ इस तरह का एक पीवीसी का पाइप लिया और उस पाइप के अंदर यहाँ पर एक होल कर दिया, फिर उस छेद के अंदर कुछ इस तरह की एक स्क्रू डाल दी और स्क्रू को मैंने इस व्हील के बाहर से बाहर निकाल दिया, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर मतलब निकाल दिया, और यहाँ पर कुछ इस तरह का हमने एक मतलब एक पीस लगा दिया जिससे कि जो टायर है ज़्यादा हिले ना। और देखो अब कुछ इस तरह से काम करते हैं, हमें जो इस चीज़ को है इसको हमें बेस पर रखना होगा, यानी कि टेबल पर हम इसको रख देंगे और हम इससे डिस्टेंस मेजर कर सकेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर रखा हुआ है और मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर आ गया 12.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया 25 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया 37.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया फाइनली 50 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस। तो गाइस आई होप आपको ये वाला प्रोजेक्ट ये चीज़ आपको पसंद ज़रूर आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा कि ये जो चीज़ है आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।